नमस्कार साथियों, यह वक्त हम सबके लिए और ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मंच के लिए भी अत्यंत हर्ष और गौरव दोनों का पल है, क्योंकि मित्रों हमारे बीच आज एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अकादमिक जगत के शख्सियत बैठे हैं जो अनवरत 35 वर्षों से मैं क्या मुझ जैसी अनंत प्रतिभाओं का लगातार उनको राहें दिखा रहे हैं और जो अनगढ़ प्रतिभाएं हैं उनको मार्गदर्शन देकर के जीवन में कुछ योग्य बनने लायक, कुछ योग्य करने लायक, ऐसा हो पाए इस रूप में परिणत कर रहे हैं। मित्रों मैं बात कर रहा हूं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर प्रकाश नारायण सर की। आज इस मंच के माध्यम से अगर मैं यह भी कहने का साहस करूं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि सर हमारे अकादमिक जगत के सबसे उदार और सहृदय व्यक्ति हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हों, आप BHU के हों, आप किसी अन्य विश्वविद्यालय के हों भारत के, अगर आप में एकमात्र योग्यता है कि आप एकेडमिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो सर का स्नेहिल मार्गदर्शन हमेशा आपके लिए विद्यमान है और आपके लिए उपस्थित है। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि यह परिचय पढ़ते हुए यह महज एक औपचारिक भूमिका निभाने से कहीं अधिक मेरे लिए एक भावनात्मक पल भी है। मित्रों मैं आप सबको यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज जब एकेडमिक के वर्ल्ड में हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की, तो प्रोफेसर प्रकाश नारायण सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फर्स्ट मूवर भी हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में, जो कि काफी पहले से उनके मार्गदर्शन में होने वाले शोध कार्य हों या उनकी अकादमिक क्रियाएं हों, वो ट्रांसडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी चीजों पर बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं। सर के बारे में हमारे अकादमिक जगत में यह भी कहा जाता है कि सर अपने मार्गदर्शन में हो रहे शोध कार्यों पर इस बात के लिए विशेष बल देते हैं कि प्राइमरी डेटा का कलेक्शन हो, क्योंकि सर का यह सख्ती से मानना है कि किसी भी पॉलिसी के फ्रेमिंग में, किसी भी नीति के निर्माण में उसकी जो प्रारंभिक आवश्यकता होती है वह होती है कि सही डेटा का, सही इनपुट का सरकार के पास उपस्थित होना। और सर कहते हैं कि इसमें हम जितनी भी भूमिका निभा पाए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सर ने कई सारे पुस्तकों का लेखन भी किया है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से न जाने कितने विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी चीजों को पढ़ने, समझने और सीखने के अवसर देते हैं। तो सर आपका मैं हृदय की अतल गहराइयों से ऑल इंडिया डिबेटिंग के मंच पर स्वागत करता हूं सर, वंदन करता हूं। प्रोफेसर प्रकाश नारायण सर। थैंक यू जगन्नाथ फॉर योर प्रोफ्यूज प्रेज व्हिच प्रोबब्ली आई डोंट डिजर्व दैट मच, but still I am thankful to you Jagannath, and I am thankful to the debating All India Debating Society and its office bearers, namely you Jagannath, Roshan, Shivendu, Sudarshan and others, for giving me the chance to interact with all of you today on the topic of my and really I am again very thankful to all of you for giving me the chance. So I feel privileged to be with all of you today. And the topic which I have chosen is topic really of my, which is very close to my heart, you may call it. The topic is legacy of Indian culture and civilization and its relevance in contemporary India. This is really very close to me, very close to my heart. And we all need to work a lot on this particular topic, because this is going to be something, a torch bearer in the days to come. Because its relevance in contemporary India is something which all of us should not undermine. And somehow justice has not yet been done to this topic of academic interest. So for the convenience of our interaction today, I have intended to divide this into three sections. Section one will be non-violence, tolerance, and coexistence. Section two, therein we'll be talking about the knowledge systems here in Indic civilization and culture. And the third, of course, which will equally be very interesting and lively, will be consumerism versus sustainability. So friends, now I'll be starting in a formal manner our interaction on the subject per se.
So to begin with, the section one begins with, as I have told you earlier, the section one begins with nonviolence, tolerance, and coexistence. So this nonviolence, tolerance, and coexistence are integral part of our religions, Indic religions. Name Hinduism, name Buddhism, name Jainism or Sikhism. And all those four religions are Indic religions. The reason being, these religions grew up here on Indian soil. Of course, the emphasis on nonviolence may vary from religion to religion. Jainism may be taking an extreme position when it comes to espousing the cause of nonviolence. But nonetheless, Hinduism is also equally laying emphasis on nonviolence. So is Sikhism and so is Buddhism. Here I'm reminded of, we'll be missing a lot if we don't mention Mahatma Gandhi today, when we are talking of nonviolence. This man, Mahatma Gandhi, became one of the greatest champions to espouse the cause of nonviolence in order to gain independence for the Mother India. He used it as a tool. He used this nonviolence as a very effective tool in fight against the mighty colonial ruler. And somehow, with the grace of God and patience of people of India, that Mahatma Gandhi could make a very effective use of this nonviolence, and we could get the independence from the British Raj. The second important thing I'll be talking about in this section is the dialogue and discussion, the tolerance, from which comes tolerance. We all know that we had various traditions, name any philosophy, different schools of philosophy here in existence. But then, and of course, and these, the propounders of this philosophical school, school of philosophy, didn't agree with many of them on many counts. They had very strong reservations on very many counts. But when it came to dialogue and discussion, they were open to dialogue and discussion. One name which was very popular, very many of you may be knowing, the name comes to my mind of the great Shastrarth between Mandan Mishra and Shankaracharya. The great scholar Mandan Mishra, as he was, and so was Shankaracharya. Shankaracharya almost defeated in the Shastrartha Mandan Mishra. But then came Mandan Mishra's wife to his rescue and said, she said that half of Mandan Mishra is yet to be defeated. So there's just one Shastrartha, which I'm referring to, just to illustrate my point, that look, this discussion, the culture of dialogue and discussion was prevailing in such a measure in Indic culture and civilization, which was giving space for culture and dialogue, which was giving space for dialogue and discussion, despite strong reservations on many counts. Here I'll also be talking about, we all know that the dominant stand or stress in philosophical, Indic philosophical tradition was on upayog, that is wise consumption. But then we also had a philosopher whose name we all know, probably many of us know, Charvaka. He was one of the greatest propounders of the theory of materialism. Charvaka went to the extent of saying, Gritam Kritva. But it is, this is Gritam, I mean, Rindam Kritva Gritam Pivet Javat Jivat Sukham. See the opposite of the dominant Indian tradition. In the dominant Indian tradition, this materialism hardly had a place. Yet we have a person in the name of Charvaka who is going to that extreme. Yet he was accepted. Yet I don't have any evidence to suggest that in that Indic civilization and culture, people were going aggressively or became violent against the opponents or somebody who is not in agreement with his or her views. So was the tolerance, which was again the bedrock of Indic culture and civilization.
different forms of worship. We all know different gods and goddesses. पूजा की पद्धतियां अलग अलग, कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई मां की पूजा, काली की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई इंद्र की पूजा कर रहा है. So the gods, there were very many gods and goddesses. The forms of worship also was different. Yet there was coexistence. They were tolerating each other. So यह जो tolerance है, which again was the bedrock of Indic culture and civilization. And from this comes coexistence. Kabir की चर्चा अगर नहीं करूं तो शायद ठीक नहीं होगा. I won't be able to do justice to the topic we are talking about. When we are talking of tolerance and coexistence, probably the one person whose name comes to my mind is Kabir, of course. Kabir kya kehti? Murti puja, sanatani dharm, hum sabhi jaane, all are familiar. The dominant mode of worship. But then Kabir is one person who is saying, pathar puje hari mile, to main pujun paar. Look, but that Kabir was never given a treatment. I mean, he was always accepted as somebody who is having his own views. And even today, as late as today, we are founding Kaviras and the disciples of Kabir in various parts of India. This again goes to show the tolerant culture, the tolerant Indic culture, कि हमें सहिष्णुता थी, एक दूसरे की भावना के प्रति हम एग्री नहीं भी करते थे, सहमति नहीं भी थी, फिर भी हम आक्रामक नहीं होते थे. एंड यह एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो हमारी इंडिक कल्चर और सिविलाइजेशन है, उसकी बेडरॉक में हम कह सकते हैं दयानंद का नाम. दयानंद की वो कहानी शायद हम में से बहुत कोई जानते हैं, जब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की पूजा की रात्रि में उन्होंने देखा कि शिव की मूर्ति पे फल चढ़े हैं और चूहा वो फल ले जा रहा है. वो कहानी हम सभी जानते हैं. बट दिस इज हाउ दयानंद प्रोपाउंडेड अ थ्योरी इन विच he hardly gives importance, rather he is opposed to murti puja, the idol worship. Murti puja ke virodhi hai. Aaj bhi jo DAV pura movement hai, usme murti puja ki koi jagah nahi. Baudh dharm, Jain dharm, Hinduism, Sikhism, sabhi ek saath chale hain, panpe hain is dharti pe, aur sahishnuta rahi hai, coexist ki. Although there were many differences amongst them on various grounds. So, In this section, I was just trying to briefly talk about these three cardinal principles and features of Indian culture and civilization, which is an integral part of Indic culture, civilization, and Indic culture and civilization. दोस्तों, तो अब मैं अपने दूसरे खंड की तरफ जाना चाहूँगा और उस दूसरे खंड में की शुरुआत मैं करना चाहूंगा नॉलेज सिस्टम, द नॉलेज सिस्टम. और उस नॉलेज सिस्टम की शुरुआत मैं उस ऋग्वेद के श्लोक से करना चाहूंगा, आनो भद्रा कत्वो यंतु विश्वतः. लेट नोबल थॉट कम फ्रॉम वेर एवर इट कम्स फ्रॉम, कम फ्रॉम एवरी साइड टू अस. लुक, दिस वाज द सिचुएशन. दिस इज हाउ द नॉलेज सिस्टम, द इंडिक नॉलेज सिस्टम हियर grew up. It always welcomed new thoughts. Shrestha vichar ko isne welcome kiya, swagat kiya. To phir woh gyan ki parampara, jo Indic parampara hai gyan ki, tab to woh vishwa guru ban paaye. Main baad mein charcha karunga ki shayad yahi karan tha ki yah jo hamari Indic civilization thi, wahan हमें वह गौरव प्राप्त हुआ टू हैव द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. तक्षशिला वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. वी कुड थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट. श्रेष्ठ विचारों को आना, उसका स्वागत होने, वह जो नॉलेज परंपरा हमारी रही है वहां से शुरू होती है. तो ऋग्वेद का हुआ कि ऋचा से मैंने शुरू किया, जो इस बात को दर्शाता है कि हमने स्वागत किया है श्रेष्ठ विचारों का, चाहे वह विचार कहीं से. फिर मीमांसा की बात भी हम यहाँ, मीमांसा यह बात करता है. मीमांसा टॉक्स अबाउट
that knowledge without action is meaningless. So this again is uniqueness of Indian knowledge system. Herein we are giving not the classroom teaching, not the theoretical part importance to that only, but we are also emphasizing the importance of actions. Without action, the knowledge is meaningless. Similarly, you come to Gandhi. Gandhi talks about that knowledge with hands, knowledge with action comes straight to him, comes straight to the heart. Tagore ki bhi baat yahan kar sakte hain. When Tagore laments, Tagore in his time he is lamenting on the situation of knowledge system here in India. He is little disturbed when he finds that the knowledge system here is confined to classroom and blackboard. Char diwalo ke andar aur blackboard ke saath jaane wali shiksha jo chal rahi thi Tagore ke samay mein, Tagore usse bahut dukhi the aur wo bar bar kehte the ki knowledge system ko real world ki necessities ke saath jodne ki zarurat hai. Jo knowledge system hai, it has to be connected with the real world situations. The situations which we are facing in the real world have to be addressed by the knowledge system. Then only that knowledge system can become effective, can become meaningful. So the knowledge should be put to social use and utility. Yahan main Chandog Upanishad ko ek bada hi ek interesting story hai jo main aapse share karna chahunga. Chandog Upanishad, usme गौतम हरिदुपद है, एक गुरु है और शिष्य है सत्यकाम जायवाल. सत्यकाम जायवाल probably is from a lower origin, so far as the social origin goes, when he comes for taking admission in the school, in the school of Gautam Haridupad, he asks his caste, he asks, who is your father? Then he says very truthfully that his mother said that, look, she doesn't know who his father was. And of course, nevertheless, we must know that the Guru Gautam Haridrupad says that, mine, Mr. Satyakam, you know that this is meant for the Brahmins, this school. And then he asks, and the story goes on like this, he very truthfully says what his mother told him, he doesn't know the name of the father. Then Gautam, the guru, admits him, saying that, look, you are a very truthful man. So one of the most important thing for a Brahmin needs to be a truthful person. You are a truthful person. I am giving admission to you. Your truthfulness has made you a Brahmin. Then the story. But then one interesting thing of this story is that Satyakam is not being allowed to go and recite Vedas. Satyakam is not asked to go to the classroom and attend the lessons in Veda and philosophy. Very interestingly, you come to know that Guru asks him that, look, I am giving you 200 kati, and you go to the forest and come after you get it multiplied many times. He obeys his guru, sets forth for jungle, and comes back when really he has been able to have manifold increase in the number of cattle. So, friends, one thing is important from here, this story. To cut the story is again endless, the story is very lengthy, but to cut it short, the story for me is that we all know in those times the wealth used to be measured in terms of the cattle. In terms of the cattle, so it is a lesson in the wealth management that the Indian knowledge system was not only talking about the philosophy, the various strands and various lessons in Vedas, etc., and Mimamsa and others, but was also conscious of the real life situation, real world situation, how to generate wealth. Maybe the guru could understand in him his potentiality for being a good wealth management person, and which he finally did. So the lesson from us, the story I was just sharing with you just to make you understand that, look,
the Indian knowledge, the Indic knowledge system was conscious of the real world issues. And so this is a lesson in the wealth management. So this is something which Chandogya Upanishad, a very achhi kahani ek Chandogya Upanishad mein aayi mujhe, to mujhe laga ki let's share with you today with all of you. So now coming to another subsection, without talking of science and technology, जो आपने जो हमने टॉपिक रखा है, जो हमारी विरासत है, जो इंडिक कल्चर और सभ्यता की जो हमारी विरासत है, शायद पूरी नहीं होगी अगर हम अपने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात न करें, क्योंकि वी हैव हैड द ग्रेट मैथमेटिकल ट्रेडिशन, वी हैव हैड द ग्रेट साइंस एंड साइंटिस्ट हियर इन इंडिया, हियर इन इंडिया सिविलाइजेशन. आर्यभट्ट एक नाम है. अबाउट 1000 ईयर्स बिफोर कोपरनिकस, he talked about earth and the shape of earth. He said the earth was round. He also said the earth was revolving around its own axis, and this happened, mind it, please note it, 1000 about 1000 years ago before Copernicus could do it. Similarly, Brahmagupta, another great name, Brahmagupta, he is again similarly, maybe about 1000 years ago before Newton, he's talking about the gravitation of earth. That's a different story, friends, that Brahmagupta couldn't get the credit for this important landmark and discovery. For various other regions, the credit has gone to the Western scientists. Astronomy ki charcha bina kiye hue shayad ye hamara discussion or interaction adhura hoga. Yeah, astronomy jo ved se nikla, astronomy, and the Vedic people knew how to measure. Hum sabhi jante hain uttarayan surya aur dakshinayan surya, ye kaise sambhav hai? Ye tabhi sambhav hai jab un logo ko pata tha how to measure the movement of the sun. That's very important that the Vedic people knew about so much. वराहमिहिर का भी की चर्चा हम करें, और सारे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पाऊं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम, सो प्लीज फॉरगिव मी. बट वराहमिहिर अगेन 6th century की बात है. वराहमिहिर एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा कि भाई कोई शक्ति है जो जमीन पर वस्तुओं को बांधे रखती. Right, and I hope the inference is known to you. 6th century की बात है. वराहमिहिर कहते हैं कि कोई शक्ति है, कोई पार है, which holds the things together. इस पे और किसी को तो कहते हैं आज हम ग्रेविटेशन थ्योरी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, डेसिमल सिस्टम इंडिक सिविलाइजेशन की देन थी विश्व के लिए. और अगर डेसिमल सिस्टम नहीं होता तो बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे होते मुझे नहीं. Similarly, zero, इसी इंडिक सिविलाइजेशन की देन है. Now, just be briefly mentioning few universities. Takshashila तो मैंने आपसे डिस्कस किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया था भी, but Takshashila was the first university, probably the oldest university in the world. जानते आज वो हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में चला. Who is Nalanda in Bihar? Vikramsila again, Bhagalpur, Bihar, the modern Bihar. Vallavi, Vallavi, Saurashtra mein, Saurashtra, Gujarat ke paas. One thing about Vallavi I like to share with you. It was such an, of course, all these universities were so enlightened and had students from all over the world. They had their own flexibility. They had their own autonomy. So far as the finance goes, they were concerned with the local issues and the real world situations. The Buddhist influence on these universities goes without saying. Of course, profound influence of Buddhist thought on the universities and the subjects as well. But Buddhist subjects bhi hote the, Vedic subjects bhi padhai hoti thi. Flexibility thi in universities too.
काफी लचीलापन था, ऑटोनॉमी थी, स्वायत्तता थी उन्हें, और वो अपने ढंग से सिलेबस बनाते थे। फाइनेंस की जहां तक बात है, अच्छे फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूशन भी होते थे, कई गांव दिए गए थे। सो आई मीन द बट वन बल्लभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रीजन बीइंग वेरी एनलाइटेंड सो मच सो दैट बल्लभी वाज आल्सो एडमिटिंग वुमेन स्टूडेंट्स। लुक बल्लभी इन दोज अर्ली डेज, think of that Indic civilization and that university, how enlightened it was. It was permitting, it was allowing women students, which the West, who claims to be very modern, you know, and blah, 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 could grant admission to women very, very late. So that's the reason why Ballavi, of course, besides very many other things, syllabus and the faculty, the world-renowned faculties, was enlightened just in a sense that also admitting women students, which the West couldn't do, which could do much, much later in terms of time. So this again, yeah, virasat hai hamari, yeah, knowledge system hai hamara. Jo knowledge system ne kabhi koi usme jarata nahi thi, us knowledge system, it was no inertia was affecting it. It was an evolutionary, it was a dynamic process. The faculty, the gurus, the rishis, the acharya, whatever name we may give it to, the acharya kehte the naamon mein nahi kuch rakha, they were teachers, pradhyapak the naam jo bhi de le aap unhe, unhe acharya kehte the, guru kehte the, gurukul. To ye to enlightened knowledge system thi hamari. But now the is knowledge system se nikalti hai knowledge economy, kyunki jo economy thi, first century AD ki baat main karta hu, फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक बहुत ही आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट हिस्टोरियन बट दैट बुक इज वेरी फेमस ही हैज रिटन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी पे बुक दैट इज अ वेरी क्रेडिटेबल बुक नेम आई एम सॉरी आई एम राइट नाउ फॉरगेटिंग आई कैन गिव इट टू यू द ऑर्गेनाइजर्स लेटर So India and China together, that the historian has calculated in first century AD, 50% of the world's GDP ja raha tha India or China. Now, the good thing to hear about it, but that makes us think why, how it happened, what was happening. So now it was again the handiwork of the knowledge system. India was definitely, the knowledge system was making India the leading exporter. Ek steel, wood steel ki baat aap karenge, to world famous thi, jiske global reach thi, aur India was the exporter for the wood steel. It was so renowned, matchless. In return, India was getting sona. पूरे गोल्ड आ रहा था उसके बदले आपके पास, हमारे पास. इट वॉज द नॉलेज इकोनॉमी. यहाँ पे मैं एक शेयर करना चाहूंगा, आई बी शेयरिंग विथ यू वन स्टोरी. वी ऑल नो अबाउट अलेक्जेंडर हु डेफिटेड पोरस, राइट? समहाउ दे बिकेम फ्रेंड्स आल्सो लेटर ऑन, एंड सो व्हाइल ही वाज रिट्रीटिंग गोइंग बैक, ऑफकोर्स अ डिसअपॉइंटेड मैन कुडंट क्रॉस द रिवर. Porus, both of them became good friends. He gifted him the wood steel quantity. मुझे याद नहीं है. I'm sorry again, but and that the measuring unit also not known to be. But of course the unit is there. That story goes like this: कि this much of wood steel was given as gift to Alexander by Porus. So was. The importance of wood steel. As late as 18th century, England, the scientists there in England, Faraday naam ka shayad unka, ya kya tha, he tried to have that, but he couldn't. So that wood steel that came from the knowledge system of India, which was open for srishta vichar kahin se aaye, plus which was also believing, which was always catering to the real life situations. What was it? You also have to generate wealth, knowledge for knowledge sake? No,
that knowledge also has to be socially useful. So metallurgy, chemistry, all these things. So Nagarjun ke baare mein kehte hain, there was not Hindi wale Nagarjun. Hindi, there was great chemist Nagarjun, unka naam tha. Unhone bada rasht vigyan, rasht pe bahut, matlab chemistry pe ek badi famous book bhi likhi thi. So what I am saying, that this woods, jo aapki steel bani ho, wo steel ko banane mein metallurgy bhi aati hai, rasayan shastra bhi aata. तो इस आपके इस नॉलेज सिस्टम का ये कमाल था कि आपने इतना कर दिखाया. यू बिकेम द एक्सपोर्टर. अगेन शिप बिल्डिंग की बात मैं करूं ना, भूल गया. शिप बिल्डिंग, इंडियन शिप्स वर यूनिक एंड हैड अ लॉन्ग लाइफ. उस समय के जो और नेवल पावर्स थे, दे कुड कंपीट विद इंडियन शिप्स इन इट्स लॉन्जिविटी. सो वॉज the navigation, so was the ship building here in India, so was the steel building in India, with that famous steel. मैं यहाँ अपने medicine और आयुर्वेद के बिना बात किए शायद बात अधूरी रह जाएगी, हमारी वो विरासत पूरी नहीं होगी. साइंस और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमें उस अपने आयुर्विज्ञान और आयुर्वेद की बात करनी होगी. एक बहुत बड़ी विरासत हमारे लिए तो आई है, पूरे विश्व के लिए. चरक संहिता, चरक यू ऑल नो, ही रोट अ फेमस बुक व्हिच इज अगेन अ बेडरॉक. सुश्रुत सर्जरी की बात करते हैं, शल्य चिकित्सा, उन्होंने भी एक संहिता लिखी है. सो बोथ ऑफ देम आर द पायनियर्स इन देयर ओन फील्ड एंड वी ऑल नो अबाउट इट. द लेस सेड द बेटर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेद एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चरक संहिता. That's a different story altogether, that we have not been able to do proper research on these things. West is doing research much more than what we have been able to do. But that's good that some efforts are being made. Hope that will bear fruit in the near future. So now, our third section starts. And that section is again an important, interesting section. That is consumerism versus sustainability. Because the dominant trend in Indian tradition, in our Indic culture and civilization, has been upyog. हम उपयोग पे ज्यादा बल देते रहे. हमारी जो Indic culture है, जो civilization है, उसने एक emphasis डाला है हर समय उपयोग पे, not on consumption, not on upyog. I hope there is a thin line between the two, which distinguishes, which divides, which distinguishes upyog from upabhog. Upyog is something which is bare minimum, essential. But upabhog is something, वो आपकी जो चाहते हैं, जो greed है, so that is probably insatiable greed, which makes you go for things and things and things. But the dominant trend in Indic tradition as the non-upyog. गांधी, यहाँ फिर गांधी की चर्चा करनी ठीक रहती है मुझे. जब गांधी ने कहा था कि मदर अर्थ कैन फुलफिल योर नीड्स नॉट योर ग्रीड. ये धरती माँ है, वो आपकी नीड तो पूरी कर सकती है, लेकिन आपके ग्रीड को पूरी करने के लिए उसमें क्षमता नहीं है. देखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, in nature's protection, these things are integral, a matter of belief for the Indic people, for the Indic culture and civilization. It was not something they consciously did, it was a matter of belief. Unke vishwas ki baat thi, usme vishwas tha unka ki nature ka protection karna, environmental protection karna, unka it was a matter of belief. Yahan so unique वर्शिप ऑफ ट्रीज, वृक्षों की पूजा हम सभी करते हैं, आज भी करते हैं घरों में. दैट इज इंटीग्रल टू आवर कल्चर. वर्शिप ऑफ तालाब की पूजा भी, एनिमल वर्शिप करते हैं. तो जो बात आप वहां से शुरू होती है हमारी को एग्जिस्टेंस की, एट द लेवल ऑफ आइडिया, एट द लेवल ऑफ फिलोसफी,
वो अपने लाइफ में भी आप देखेंगे तो यहाँ भी नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस है हमारा। ये क्या ये समझाता है, व्हाट डज इट कन्वे, दैट वी आर कोएग्जिस्टिंग। और यहाँ तो मैं एक और बात आपको कहूंगा, गीता के श्लोक की वो बात आप करें अगर, तो इफ यू परमिट मी आई कैन रिसाइट बिकॉज आई एम अ लिटिल पुअर इन संस्कृत। गीता का श्लोक यहाँ में काफी रेलिवेंट है जो हमसे शेयर करना चाहेंगे। अश्वस्थतः सर्व वृक्षायाम, यानी ये हुआ कि हर वृक्ष में भी वो भी सजीव है, उसमें जान है। तो ये वृक्षों की जो परंपरा है, ये जो पर्यावरण को संतुलित कर रखने की जो भूमिका है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करता है। जब गीता ये श्लोक में ये बात कह रहा है, गीता में ये बात आती है कि वृक्ष भी सजीव है, वृक्ष में जान है। गीता में कृष्ण का एक और कथन, लॉर्ड कृष्ण सेज इन गीता, वृक्षों में मैं पीपल हूं। आई होप यू ऑल नो द वृक्ष पीपल। पीपल इन हिंदू माइथोलॉजी, इवन इन हिंदू बिलीफ सिस्टम, हिंदू इट्स बीइंग वर्शिप्ड पीपल, एंड सो मच सो दैट इफ यू हैव अ पीपल ट्री समहाउ ग्रोज ऑन योर वॉल और समथिंग, no laborer will come to cut it, right? Because that religious belief is attached with that. But look at it, the medicinal properties of people, how great is people tree in terms of giving oxygen, etc. So Krishna कहते हैं, Krishna के माध्यम से गीता में कहा जा रहा है that the people में मैं हूँ। Lord Krishna says that I am there in the tree people. You will have to rever it. You are revering, worshipping Krishna. So you will be worshipping that people tree. But the reason is that people ke gun itne hain, medicinal properties itni hain, ki usko humne religion ka naam deke, ek medicinal properties aur ek alag tarah ki sanskriti ki shuruaat dekhne ko milti hai, jisme vrikshon ki puja, matlab ek jo coexistence hai, hamara jo nature ke prati lagav hai, wo darshata hai. We have to coexist with nature. अब मत्स्य पुराण में क्या कहा जाता है? मत्स्य पुराण talks about, वो गिनती करता है पैरों की, या पैरों की गिनती से वो सन्स की गिनती करता है। As if suppose X is having 10 trees, the मत्स्य पुराण says that means that man has 10 sons, right? So look at the whole scenario. This is all our Indic tradition, Indic culture, and Indic civilization talking about all these trees, which of course have enormous medicinal properties. तो हमारी संस्कृति में मैं और बात कहूं, नीम को कहा गया है, हमारे उस ट्रेडिशन में नीम को कहा गया है पूर्ण चिकित्सक, कंप्लीट डॉक्टर नीम। आमले को कहा गया है कंप्लीट फूड, वी नो आमला सो रिच इन विटामिन सी। और आज हम कोरोना वायरस और इस एपिडेमिक में, पैंडेमिक में, हम जानते हैं कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसको बूस्ट करने के लिए। सो आमला पूर्ण भोजन, कंप्लीट फूड। पीपल इज शुद्ध वायु दात्री, वही जो ऑक्सीजन की बात मैंने कही थी, शुद्ध प्योर वायु आता है वहां से छोड़ता है। पाकर और वृक्ष, पाकर और वट वृक्ष को कहा जाता है जल संग्राहक, यानी वाटर को कंजर्व करते हैं। और बट वृक्ष को कहा गया है कि यह पूर्ण घर है। बट वृक्ष इज अ कंप्लीट होम। सो वी नो दैट, मैं इतना कहूंगा इस सेक्शन में, प्रकृति रक्षिते रक्षिता, प्रकृति रक्षिते रक्षिता, यू प्रोटेक्ट मी, आई प्रोटेक्ट यू। This is what the nature says, that you protect me, I'll protect you. That is the virasat of Indic culture and civilization, something which we all should understand, and of course so relevant today. Ek aur baat main yahan kehna chahunga, aap arthashastra ke kautilya ki baat kare,
वृक्षों के इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग पे द स्टेट वाज सो कॉन्शियस दैट द स्टेट हैड इम्पोज्ड फाइंस एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स देयर दैट यू कांट गो फॉर द कटिंग ऑफ ट्रीज. देयर आर पनिशमेंट्स व्हिच आर लिस्टेड देयर इन अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र. सो दिस ऑल स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवर कंसर्न फॉर द फ्लोरा एंड फौना, चाहे वो वन जानवर हो, पेड़ पौधे हो. सॉरी, वी ऑल हैड टू कोएग्जिस्ट. एंड सो सस्टेनेबिलिटी, हियर कम्स, यू कांट हैव अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अनलेस एंड अंटिल यू नो यू आर एबल टू ड्रॉ अ बैलेंस. You are able to distinguish between your needs and your desire. The nature can give you as much as you need for your bare minimum, but if it can't fulfill your greed, कालांतर में शायद कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता. मैं मेरे इस इंटरैक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रिस्क्रिप्टिव बात बोलूं. Right. I am opening it. I am leaving it open for all of you to understand. Don't you think it's relevant for us today in contemporary India? ये जो हमारी विरासतें हैं, क्या आज हमारे contemporary India के लिए relevant है या नहीं? मुझे तो लगता है काफी relevant है, जहाँ तक मेरा विचार है. So far as I understand, ये विरासतें हमारी काफी महत्वपूर्ण हैं, काफी relevant हैं. एक उदाहरण के साथ मैं खत्म करूँगा. वो उदाहरण है कि जो फ्लॉड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, चाहत हमारी बहुत है और उस चाहत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को पैदा किया. उस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पंजाब को ग्रेनरी बना दी. पंजाब बिकेम द ग्रेनरी ऑफ इन लेट 60s 70s आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन. वी आर पेइंग हेवी प्राइस फॉर दैट टुडे. पंजाब इज पेइंग हेवीली फॉर दैट, द पीपल, द हेल्थ सिस्टम. So we have reached a point where I'll be concluding now. And I'd like to conclude with lines of Jaishankar Prasad in Kamayan. Gyan dur kuch kriya vin hai, ikcha kyun puri ho man ki, ek dusre se mil nahi paaye, ya vidambana hai jivan ki. So the point which I'm trying to make is that there has to be perfect synergy between the three. One is knowledge, the other one is action, and the third one is desire. This is an irony of the contemporary India today, wherein we are probably having a flawed developmental model, and we have to take care of this unison or synergy among the three: knowledge, action, and desire. That's all I have to say. Thank you, and thank you very much for your patience and for bearing with me. That's all. Thank you once again. Thank you very much. So now our organizers have suggested that they have few questions probably. So I am open for the questions. Thank you so much, sir. After listening it, I must say that the way very lucidly and comprehensively you touched every aspect and all possible dimension of our vibrant and rich legacy, I would like to say it was a much needed enlightening session for all of us, for all of our viewers who will be watching this platform of All India Debating Society. Usually, sir, ये होता है कि हम जब Indian tradition या Indic cultural legacy की बात, जो कि हमारे topic का word है sir, Indic cultural legacy, जब उसकी बात करते हैं तो हम किसी एक डायमेंशन ट्रेडिशन पे जाके अटक जाते हैं कल्चर के, जो कि यूजुअली होता है. बट शायद ये मेरे जीवन का पहला ऐसा वक्त है जिसमें हर एस्पेक्ट, चाहे वो ज्ञान परंपरा की बात हो, चाहे हमारे टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस की बात हो, चाहे मेटरलिज्म की बात हो, स्पिरिचुअलिज्म की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं उसको आपने जिस तरह से सस्टेनेबिलिटी से जोड़ा, तो इट वॉज ए कम्प्लीट पैकेज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आवर कल्चरल लीगेसी फॉर अस. तो सर अब थोड़ा सा, मुझे पता है आपके पास समय की भी थोड़ी कमी थी, लेकिन थोड़ा मैं माफी चाहते हुए मैं सर इसको एक्सटेंड करूंगा.
और कुछ हमारे पास इंटरैक्टर्स हैं, दे हैव हर्ड यू वेरी प्रेजेंटली, सो दे आर से दे वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस. पहला प्रश्न है शिवेंदु. हाँ शिवेंदु, आप खुद को अनम्यूट करें और पहला प्रश्न. बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम. सर निसंदेह आपके वक्तव्य से हम सबको इंडिक कल्चर एंड ट्रेडिशन के विषय में विस्तार से जानकारी मिली, परंतु एक युवा होने के नाते एक संदेह उत्पन्न होता है कि हम आगे की सोचने के बजाय ज्यादा ही अपने संस्कृति की महिमा मंडल में लगे हैं. इस पर सर मार्गदर्शन करें हम लोग. सो फार एज आई अंडरस्टैंड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. But so far as I understand, I have not been a sovereignist while talking and interacting on this particular topic. I have based whatever I have said, मैंने अपनी सारी बातों को उन साक्ष्यों और historical facts के आधार पे करने की कोशिश की है. हाँ, लेकिन अपनी विरासत की बात, अगर वो विरासत है, वो Indic tradition है, Indic culture और Indic civilization की विरासत मिली है हमें, और अगर वो विरासत हिस्टोरिकल रिगर एविडेंस पे आधारित है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई महिमा मंडन करने की कोशिश है. और अपनी विरासत की बात अगर हम करें, वो महिमा मंडन तब होता है जब हम सिर्फ उसकी बात करें, साक्ष्य न हो, आधार न हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हो. सो फार एज माई इंटरेक्शन हैज बीन हियर राइट नाउ विथ यू ऑल, आई हैव बेस्ड व्हाटएवर आई हैव सेड ऑन फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फैक्ट्स अलोन. अगला प्रश्न के लिए हेमंत. यस, धन्यवाद सर, बिल्कुल आपने सही कहा, इट वाज लोडेड विद फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स बोथ. तो अगले प्रश्न के लिए हेमंत कुमार, आप हेमंत जी आप प्रश्न कर सकते हैं अपना अगला. प्रणाम सर. सर बहुत दिनों बाद सर आपसे मतलब इस तरह से इंटरेक्शन होने का मौका मिला, इसलिए मैं ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी और श्री जगन्नाथ कश्यप जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं. और सर आपकी जो ओजस्वी पूर्ण वाणी, ज्ञान परंपरा की जो चर्चाएं हमने अभी सुनी, एक क्लास का एक फील किया, अनुभव किया, बहुत दिनों बाद ये देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला सर. तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपके अंडर मैंने शोध भी किया है, तो सर कुछ जिज्ञासाएं शेष रह गई हैं सर उस संदर्भ में जो है. सो अब मेरे प्रश्न का दो पहलू है. एक प्रश्न जो सर इस तरह से मैं जानना चाहूंगा कि सर सर आप आ नहीं रहे हैं सर. एक प्रश्न जो है सो मेरा इस तरह से है कि सर मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से इंडिक सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत को हम कहां से उठाते हैं. क्या वो विरासत जो है सो वैदिक कल्चर और उसके बाद का है या फिर उससे पहले का भी है. एक ये जिज्ञासा है कि हड़प्पा संस्कृति या उससे भी पहले का. और जैसा कि सर आपकी पूरी की पूरी लेक्चर में एक बहुत ही अच्छी बात पता चली सर, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो है तो एक दो साल पहले यूनेस्को के संस्थान ने 46 संस्कृतियों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में पाया कि 45 संस्कृतियां विश्व की मिट गई हैं, एकमात्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है उसकी कंटिन्यूटी जारी है. तो सर आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि संस्कृतियां कभी पूरी तौर पे मिटती नहीं है और ज्ञान की परंपरा जो है वही हमको जोड़े रखती है. तो सर अगला मेरा प्रश्न जो है सो उसी ज्ञान की परंपरा को लेकर है कि क्या लंबे अवधि में दूसरे देशों या औपनिवेशिक शासन काल में शासित होने के कारण क्या हमारी ज्ञान की परंपरा जो है सो हाईजेक भी हुई है और हमारी अभी की शिक्षा पद्धति जो है उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है ताकि हम अपने पुराने ज्ञान की परंपरा से पूरी तौर पे जुड़ सकें. सर ये दो प्रश्न हमारे हैं. थैंक यू हेमंत. थैंक यू सर. जो आपने पहला प्रश्न किया है कि कहां से हम इस भारतीय पैक को या इंडिक सिविलाइजेशन और कल्चर को लाएं, तो हम सारे लोग इस पे कन्विंस्ड हैं कि भारत की इस भूमि पे जो सभ्यताएं पनपी, जो संस्कृतियां पनपी, वो इंडिक सिविलाइजेशन है, वो इंडिक कल्चर, ठीक है, चाहे वो हड़प्पा की हो या वैदिक. हाँ इतनी बात हो सकती है कि विद्वानों में, इतिहासकारों में उसके डेट को लेके, क्रोनोलॉजी को लेके मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरे डिस्कशन और मेरे स्टेटमेंट की बात है, आई एम फुली कन्विंस्ड that the cultures, that the civilizations which grew on Indian soil are definitely Indic culture and civilizations. Second question, जो आपने कहा hijack हुआ है हमारा, ये जो हमारा
ये तो मैं नहीं कह सकता कि हाईजैक वर्ड मैं यूज करूं या ना करूं, लेकिन औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था जब से आई है तो उसने जरूर ही हमारे उस पुराने ज्ञान परंपरा को डिस्टर्ब किया है. एंड वी ऑल नो अबाउट इट, द नीड्स ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, दे वांटेड जस्ट द क्लर्क्स, राइट. सो तो वो जो हमारी उन्मुक्त शिक्षा व्यवस्था थी, वो जो ज्ञान परंपरा थी, डेफिनेटली उस पर एक ब्रेक लगा. और कालांतर में ऐसा हुआ है जैसा मुझे लगता है कि हम अपनी परम जो ज्ञान परंपरा है उससे थोड़ा डिविएट कर गए हैं. और कारण शायद ये है कि मॉडर्निटी जो आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, फिर जो उथल पुथल हुए, जो बदलाव आया विश्व में, और उसके साथ हम पराधीन हुए, कॉलोनी हुए हम, तो हम धीरे धीरे अपने उस स्वत्व को खोते गए. और हमने शायद ये मान लिया कि जो वेस्टर्न है वही मॉडर्न है, जो पाश्चात्य है वही विकसित है, और हम प्रिमिटिव हो गए. तो हमारी जो ज्ञान की जो परंपरा थी उसको जरूर ब्रेक लगा है. और वो परंपरा में जरूर हमें, और आपने आज की शिक्षा नीति की बात की है, तो मैं जरूर कहूंगा, मेरा यह मानना है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है शायद, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेकर्स को डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात शायद उन्होंने की है, और भी वाइडर कंसल्टेशन करें. और हमारी जो विरासत है, जिस विरासत ने, जिस ज्ञान परंपरा ने भारत को, इस इंडिक सिविलाइजेशन को फर्स्ट सेंचुरी एडी में इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बना के रखा, उस ज्ञान परंपरा को रिविजिट करने की जरूरत है. मैं नहीं कहता एज इट इज जिसको आप आज ले आए, एज इट इज शायद संभव नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो समय है वह भी महत्वपूर्ण है, स्थान भी महत्वपूर्ण है. तो लेकिन उसके जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, जो हैंड्स ऑन की बात है, राइट, जो एक्शन की बात है, हमारे आज जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसमें हम हैंड्स ऑन नहीं देख रहे, एक्शन नहीं देख रहे हम, उसमें क्लासरूम टीचिंग, ब्लैक बोर्ड टीचिंग या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया, वो सब हम करते हैं, स्लाइड्स दिखाते हैं. बट वो जो हमारा वो जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से जो अपने यूनिवर्सिटीज को, अपने ज्ञान व्यवस्था को लिंक करने की बात है, वो अगर नई शिक्षा नीति में आए तो शायद मुझे खुशी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद हेमंत जी आपका प्रश्न के लिए. और एक मेरा अगले प्रश्नकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि अपने प्रश्न को थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें, क्योंकि सर का अगला भी कार्यक्रम है, सर का अपॉइंटमेंट है, और वी आर एक्चुअली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो अगले प्रश्न के लिए मैं दीपक आपको आमंत्रित करता हूँ. दीपक. थैंक यू कश्यप भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक यू सर फॉर सच एन इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन. And I also want to thank organizer for organizing this session. So my question to you is, what are the three things according to you in terms of sustainable development which we can learn or take from our past civilization? I mean the sustainable practices used by our forefathers which were relevant or will be relevant in tomorrow. Can you elaborate, sir? Please. So you finish. I hope you have finished your question, Deepak. I hope you have finished. Yes, sir. So now my answer to your question will be that look, हमें blind consumption से अपने को बचाने की जरूरत है शायद. Blind मतलब अंधाधुन जो consumerism है हमारा. It will be better if we are somehow keeping ourselves away from the menace of consumerism, the consumption rather, right? The blind consumption. और यहाँ पे वही बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, उपयोग की बात हम करें, उपभोग की बात ना करें, शायद वो ज्यादा अच्छा होगा. अपने नेचर को रेस्पेक्ट करें, प्रकृति को रेस्पेक्ट करें, और उसके साथ को एग्जिस्टेंस की बात. हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं. और मैंने पहले भी अपने अभी अपने पिछले इसमें सेक्शन में मैंने बात की प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति कहता है ना भाई कि प्रकृति जो आप हमें रक्षा की, यू प्रोटेक्ट मी आई विल प्रोटेक्ट यू, राइट. तो प्रकृति के लिए तो आपको एक यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर, यू विल हैव टू
act in accordance with, in conjunction with the nature, right? You don't think that you have become a master of the nature, right? Who exist करें आप, और वो तभी संभव है जब आप प्रकृति रक्षते रक्षिता, प्रकृति कहता है कि आप हमारी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा करूँगा. और थर्ड, हम कह सकते हैं कि आज जो योगा और आयुर्वेद, योग पे शायद मैं बहुत बात नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, वैसे भी आई वॉज रनिंग अ लिटिल लेंदी एंड रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो योगा पे बात नहीं कर पाया. तो योगा एंड आयुर्वेद अगेन ये विरासत है हमारी. फिर लेकिन योगा के मामले में एक बात यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, योगा को बहुत लोग धर्म से जोड़ते हैं, ये राइट, योगा को धर्म से जोड़ते हैं, राइट. योगा धर्म से जोड़ने वाली बात नहीं है. योगा तो एक मेडिटेशन है और वो ठीक है, और वो मेडिटेशन है वो स्पिरिचुअलिज्म से साथ चलता है, लेकिन अब उसको एक फिजिकल नीड से भी हम जोड़ रहे हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ से जोड़ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ से जोड़ रहे हैं. तो योगा और आयुर्वेद, आयुर्वेद आज भी, आयुर्वेद लुप्त हो गया था, आयुर्वेद पे उस विषय पे काम और रिसर्च की जरूरत है. आयुर्वेद एक बहुत अच्छी विरासत है हमें, इस पे हमें काम करने की जरूरत. ये तीन चीज में, और भी कई चीजें हैं लेकिन ये तीन चीज महत्व रखती है मेरे लिए. मुझे लगता है कि ये कल भी रेलिवेंट था, आज भी है और कल भी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू दीपक आपके प्रश्न के लिए. अगले प्रश्न के लिए मैं जाना चाहूंगा नीतीश आपके पास, आप अपना प्रश्न करें. I would like to thank first to All India Debating Society, Jagannath Bhaiya, Roshan Bhaiya, and all those people who are listening to this. And I would also like to thank sir for illuminating us on the culture of science and philosophy in Indian civilization. And my question would be, sir, what would be the biggest learning for the global knowledge system from Indian civilization? What can you repeat? What would be the biggest two learning from for global knowledge system from Indian society, Indian civilization? What will the globe? I mean, what will the world learn from us? This is what you are asking. Yeah. कि विश्व कि हमारी जो क्या चीज वो हमसे ले, ये आप पूछ रहे हैं हमसे. My meaning is that what would be the biggest learning for global knowledge system from our civilization? Okay. Got your point. The global, I mean, of course, my views probably will be that the global knowledge system can learn a lot from us. Not one thing, there are very many things they can learn from us. One, the informal manner in which our Gurukul worked. The more of personal interaction between the Guru, the Acharya and the students. Right. The rapport with the Gurus had with their students there in the Gurukul. They're in the universities, right? Which this is one thing which the global knowledge system can, besides very, very, very many other things like our approach to real world situations, right? Our education, our knowledge system was always connected to the real world issues. Hands-on was an integral part of our knowledge and knowledge system. So if you want two things, then my answer will be that two important things they can learn from us. One, the informal manner, the more of rapport, the informal manner in which the gurus interacted with the students, right? Shishya Shishya Guru Parampara. And second, the our knowledge system was connected with the real world issues. But again, one more thing I'd like to add to what I already said, that is the Sarvangin Vikas. Not only the students in the Gurukul, what I meant by that Gurukul was also trying to build the overall personality of the students, Shishya. Right? So it was not just the knowledge which you are gaining for a particular thing, but the overall development of your personality, that was the hallmark of Gurukul system. So these two things, in my view, the global trend, knowledge system can learn from us. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद नीतीश आपका भी, और एक इस अद्भुत लेक्चर जो सर के द्वारा लिया गया और प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन समय की भी हमारे पास मर्यादा है, सर की अपनी और भी व्यस्तताएं हैं,
तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे मंच की तरफ से रोशन आपके पास शायद कोई प्रश्न भी हो तो आप वो करें, और पितु सर हम सबके अभिभावक भी हैं लेकिन चूंकि एक फॉर्मल मंच पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो रोशन आप एक वोट ऑफ थैंक्स भी करें हमारे मंच की तरफ से, और कोई प्रश्न हो तो करें। ओवर टू यू रोशन। सर्वप्रथम प्रणाम सर, हालांकि कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बचा नहीं क्योंकि आपका लेक्चर इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि हम सब इससे अवगत हैं, और बट फिर भी मेरा एक छोटा सा सवाल था सर। सर, इन द एरा ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडर्निटी हैज द कंसेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस डीजनरेटेड अलॉन्ग विद द नोशन ऑफ सिंक्रेटिक कल्चर इन कंटेम्प्रेरी टाइम? कैन यू रिपीट इट सर? इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी has the concept of coexistence degenerated along with the concept of syncretic culture in contemporary time? Yeah, you can say like this. You can say like this. But here comes the Indian Viraset. But here comes the Viraset from Indic traditions and Indic civilizations. No. We have been the Vishwa Gurus. We have been the global leaders in knowledge system. Our university, the Takshashila, Vikramshila, Nalanda, and Ballavi, I just now mentioned, who was the first and foremost to admit women students also. So of course, what you are saying, I agree with what you said, that there is a great danger to all these things in the globalized world today. But then again, I'd like to add one more thing, that this barrier, the globalization is probably heading towards and is getting a stiff challenge nowadays. When people have started, again, the countries have started sealing their own boundaries, political boundaries. So I know what is going to be the fate of globalization in the decades to come. But then of course, I agree with what you say. There is a great threat to coexistence in the globalized world, no doubt. But I do agree. Thank you, sir, for your insightful lecture. As it is rightly said, an ignited mind is the most powerful weapon and resources. And it was a privilege and honor to listen to you. I hope, sir, aisa situation in future bahut baar hame mile aur aap hamara margdarshan karte rahe aur hamare sath hame aapke sath judne ka saubhagya prapt hua aur aap All India Debating Society ke manch pe aaye aur hum sabka gyan vardhan kiya. Sir, aapka tahe dil se bahut bahut shukriya. Dhanyawad. Thank you. Thank you.